नमस्कार शिराज, आज हम आप सबको बताएंगे कि पूरा अगस्त का महीना हर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। हर एक राशि इतनी सटीक भविष्यवाणी पाएगी कि जो पूरे YouTube चैनल पर नहीं पूरे विश्व में कोई नहीं बताया होगा। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किसके लिए अगस्त महीने में प्रयास करें हर राशि वाले और किस चीज के लिए प्रयास नहीं करें, मिलेगा तो किस तारीख से किस तारीख के मध्य में मिलेगा, कौन सा ग्रह आपका साथ देगा, क्या परहेज करना है हर राशि के लिए। सबसे पहले बताते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वालों के लिए क्या मिलने वाला है और साथ ही साथ हाथ के हाथ क्या नहीं मिलेगा। मेष वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अगस्त के महीने की रहेगी मंगल और सूर्य की चतुर्थ भाव में युति की। आपके जीवन में जमीन से संबंधित चीजों को आप बिगड़ता हुआ पाएंगे, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, अर्थात जमीन से संबंधित चीजों के लिए प्रयास न करें, वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा चतुर्थ भाव की स्थिति जो पंचम से द्वादश होती है, प्रेम प्रसंगों के मामलों में भी आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव मत होइएगा, वो भी नहीं मिलने वाला है, अर्थात वहां पर मामला गड़बड़ रहेगा। मिलेगा क्या, आप अपने दुश्मन को अपने वश में कर सकते हैं, अगस्त का महीना इसके लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में एक सुखद एहसास, सुखद अनुभूति आपको होगी, ये भी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, बीच में 7 तारीख का जो ग्रहण है उसका जो फल हमने वीडियो में बताया था वो उसमें प्लस माइनस करके सोचिएगा, करके देखिएगा। एक जनरल प्रेडिक्शन हम बता रहे हैं खास तौर पर अगस्त। वृषभ राशि, वृषभ वालों के लिए अगस्त महीने का शुभारंभ धन खर्च को लेकर के रहेगा। पैसा बहुत तेजी से भागेगा आपके हाथों से, तो आप पैसे के पीछे मत भागिएगा। और क्या नहीं करना है, अगस्त महीने में किसी से काम निकलवाने के निमित्त अगर आप विचार करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, जरूर मिलेगा। आपके परिवार में किसी संतान के जन्म की संभावना प्रबल है, अगर आप विवाहित हैं और संतान के निमित्त प्रयास कर रहे हैं तो अगस्त में ये सफल हो जाएगा, प्रयास आपका 100%। और क्या मिलेगा, कहीं बाहर अगर आप नौकरी के लिए स्विचिंग के निमित्त विचार किए थे तो यह भी अगस्त में हो जाएगा। अब बताते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। अब हम पूरा राशिफल दुनिया भर का नहीं बताएंगे, इसमें आप यूनिक चीज पाइए। ज्योतिष दिशा आचार संतोष संतोषी इसी के लिए जाने जाते रहे कि हम सबसे हटकर राशिफल लेकर के दुनिया भर का ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, तुक्का नहीं, ये लीजिए हथौड़ा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए क्या नहीं आपको प्रयास करना है, क्या आपको नहीं मिलने वाला। मिथुन वालों के लिए आप विवाह के निमित्त अगर प्रयास कर रहे थे तो आप अभी रुक जाइएगा, अगस्त महीना इसके लिए ठीक नहीं है, ये प्रयास आपका असफल हो सकता है। और दूसरी चीज, आप कहीं कुछ मेजर ऑपरेशन या फिर इलाज के लिए विचार कर रहे थे तो अभी रुक जाइएगा, किसी तरह से समय को टाल लीजिएगा 25 अगस्त तक का। 25 के बाद शनि जब मार्गी होगा तो आपको बहुत कुछ देने के लिए आ जाएगा। क्या मिलेगा, ये अगर भाई बहन में कोई बिछोह था, बिछुड़न था, दूर हो जाएगा। राखी भी आ रही 7 अगस्त को, तो ये बहुत अच्छा एक मौका रहेगा आपके पास। अगर आप वाहन बदलने के लिए विचार किए थे तो ये समझ लीजिए कि बस 7 तारीख बीता नहीं कि गाड़ी नई घर में आ जाए। अब बारी आ गई है कर्क वालों को बताने। कर्क राशि वालों के लिए सबसे बड़ा सौगात जो मिलने वाला है, पहले ये जान लीजिए हाँ कि क्या आपको नहीं प्रयास करना है। पुलिस केस वगैरह, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, फौजदारी में आप हार जाएंगे तो अगस्त महीने में कुछ नया केस वगैरह दाखिल ना करें बेहतर है, लड़ाई झगड़े से खुद को बचा करें। और क्या प्रयास नहीं करना है, अगर आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए या नौकरी बदलने के लिए या प्रमोशन या स्थानांतरण के लिए विचार कर रहे थे कि बात कर लें हम, तो भैया 20 अगस्त तक भूल जाइएगा, मतलब अगस्त आप अवॉइड कर दीजिए, सितंबर में विचार करिए, ये भी नहीं होने वाला है। तो बेहतर है कि दो चीजों से आप तौबा कर लीजिएगा। और कर्क राशि वालों के लिए क्या जरूर मिलेगा, मकान संबंधी हर समस्या का हल हो के रहेगा। नंबर 2, कर्क वालों के लिए जो मिलने वाला है, जब अगस्त का सूर्योदय हो रहा है उस समय वृश्चिक राशि में चंद्र शनि का विष योग रहेगा,
तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों के मामले में भी थोड़ा सा अपने आप को संभालिएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद न रखिएगा, उसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय क्या करें अगस्त महीने का बहुत अच्छा जाए, इन चारों राशि वालों के लिए हम बता देते हैं। कच्चा दूध और उसमें एक चुटकी हल्दी मिक्स कर लीजिए, अपने दाहिने हथेली में रखें, आंखों को बंद करें और मंत्र जपें, ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र को कुछ देर तक जप के जल में मिलाइए, उसी जल से स्नान। पूरा अगस्त महीना आप करिएगा, निसंदेह अगस्त आपके लिए ऐतिहासिक होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, एक क्रांति लाइए ज्योतिष विधा में। पत्थरों को बेचने वालों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारी कि ज्योतिष सूचना विज्ञान है, सूचना तंत्र है, इससे हम आने वाले कल में झांक सकते हैं, आने वाले कल को बदल नहीं सकते। इसके वैज्ञानिक तथ्य को, पहलू को, शोध को समझिए और दबा करके इस प्राचीनतम विद्या को, प्राचीनतम विज्ञान को आप जन जन तक पहुंचाइए, खूब पहुंचाइए। आचार्य संतोष शुक्र मत दीजिएगा। नमस्कार।